चेकिंग कर रहे थे, तो चेकिंग दौरान जब बहुत सारी गाड़ियों को चेक करने के दौरान एक गाड़ी हम लोग को ऐसा भी मिला जिसमें जो व्यक्ति है वो डॉक्टर का फर्जी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह बना करके और वो हम लोग को दिखा रहा था कि हम लोग डॉक्टर के काम पे आ रहे हैं। जब हम लोग उसका प्रिस्क्रिप्शन को चेक किया तो उसमें देखने से पता चला कि उसमें कोई किसी भी डॉक्टर का कोई परामर्श नहीं है, केवल वो जो बाहर रोगी चिकित्सा पर्ची होता है वो काटे हुए था। और लगातार करीब पिछले 15 दिनों से कम से कम 4 से 5 बार लोग ये आए हुए हैं और पूछताछ करने में पता चला कि कोई छोटे मोटे काम के लिए पाटन थाना क्षेत्र से शहर की ओर आते हैं। तो हम लोग इसमें यही कहना चाहेंगे और जनता से यही अपील करेंगे कि इस प्रकार आप लोग फर्जी तरीके से रोड पर ना निकले, क्योंकि इसमें जो होता है जो जेन्युइन पर्सन है उनको भी परेशानी हो सकती है, जो सही में लोग मरीज को लेकर के आते हैं उन लोग भी इसमें उनको भी नुकसान हो सकता है, इससे बार बार चेकिंग करने। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।